दिदुन के बंदूक के निशाने के सामने से निकली नीरजा, नीरजा लेकर पहुंची कौशिक के खिलाफ इकलौते गवाह को अदालत। कलर्स टीवी शो नीरजा के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा कि दिदुन नीरजा और नीरजा के साथ कौशिक के खिलाफ गवाही देने वाले इकलौते गवाह का रास्ता रोके हुए होती है। और यहाँ पर नीरजा को बुरी तरीके से दिदुन और उसके आदमियों ने घायल कर रखा है, लेकिन नीरजा अपने रुद्र रूप में आ जाती है और यहाँ पर दिदुन और दिदुन के आदमियों पर हमला कर देती है नीरजा, ताकि वो सही समय पर अदालत जा पहुंचे। लेकिन दिदुन भी हार नहीं मानती है और अपनी बंदूक निकाल कर लाती है। यहाँ पर नीरजा है दिदुन के बंदूक के निशाने पर, लेकिन इससे पहले कि दिदुन कोई नीरजा पर वार करे, नीरजा खुद ही अपने हाथों में उठाया हुआ हथियार ला मारती है दिदुन के पैर पर, जिसके चलते दिदुन की हार हो जाती है और नीरजा सही समय पर जा पहुंचती है अदालत में। यहाँ पर अदालत में जज अपना फैसला सुनाने जा ही रही होते हैं नीरजा की गैर मौजूदगी में कि नीरजा घायल हालत में अदालत के सामने आ पहुंचती है और नीरजा ये बोलती है कि आज वो ऐसा गवाह अदालत में पेश करने वाली है जो कि कौशिक के सारे काले कारनामों में से पर्दा हटा देगा। जिसके बाद अबीर के घर का नौकर, जो कि कौशिक के खिलाफ इस केस में इकलौता गवाह है, उसे लाकर अदालत के सामने पेश कर देती है नीरजा। तो क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।